लगातार हो रही बारिश से पूरे भारत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं गोरखपुर में भी पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका जायजा लेने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने राप्ती नदी के मलौनी लहसड़ी तटबंध पर बाढ़ बचाव के सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ बचाव को लेकर सरकार की समयबद्ध कार्ययोजना का परिणाम दिख रहा है और इस कार्ययोजना का लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिल रहा है। गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कामूपुर गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बातचीत करते हुए हाथरस की घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है, घटना की जांच चल रही है, पाए गए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही दौरान ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है। देखिए, घटना दुखद है, सरकार पीड़ितों के साथ है, जो दुखी है उनके साथ है और जांच टीम गठित हो गई है, जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब कोई दोषी बचेगा नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव की फोटो बाबा के साथ अभी वायरल हो रही है, क्या यह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या सही में वाकई में भक्त हैं? राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, गूगल पे जा करके आप देख लीजिएगा तो उन्होंने अपनी ही आईडी से उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने भी उनको भगवान की संज्ञा दिया है। डीएम ने जांच टीम गठित कर दी है और जांच टीम से जो रिपोर्ट आएगी वो आपको बता दी। मेरठ में 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार, जहां उन्होंने चार राज्यों के अधिकारियों के साथ ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर बैठक की, जिसमें कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी लगाकर कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में तैनात किए जाएंगे और ड्रोन कैमरों के जरिए कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। बाराबंकी में सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फतेहपुर में एसओजी और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अपराधी रिजवान के पैर में गोली लग गई, वहीं मौके पर अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अपराधी एक साल से फरार चल रहा था और अपराधी के खिलाफ 40 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। थाना हदगांव पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा जनपद के टॉप 10 कुख्यात हिस्ट्री सीटर अपराधी रिजवान आज सुबह 5:15 बजे सराय इदरीस नहर की पटरी पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करने पर पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त घायल हुआ है, जो जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त पर 20,000 रुपये का पुरस्कार वर्ष 2023 से घोषित चल रहा था, लगातार ये फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश चल रही थी। बांदा के कोतवाली नगर से आत्महत्या की घटना सामने आई है। यहाँ एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में केन पुल में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल युवती अपने जीजा के साथ बाइक पर गांव जा रही थी, तभी उसने चक्कर का बहाना कर बाइक रुकवाई और पुल से छलांग लगा दी, जिससे युवती की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 1:30 बजे केन नदी के पुल पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से एक लड़की को लेकर जा रहा था, वह महिला उस बाइक से उतरी और उसने नदी में छलांग लगा दी। बाद में ज्ञात हुआ कि ये महिला, इसका नाम रोशनी खान, उम्र लगभग 23 वर्ष, सिसोलर हमीरपुर की रहने वाली थी, अपने बहनोई रमजानी के साथ शादी में आई थी और वहाँ से बाइक से रमजानी उसको छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उस महिला ने ये बाइक रुकवाई, इससे पहले कि वह रमजानी उसे कुछ समझ पाता उसने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कौन है मृतक? ये मेरी साली है। क्या घटना हुई, किस जगह? अभी घटना में गांव से, घर से, मतलब अपने घर से लेके इनको गांव पहुंचाने जा रहा था, तो इन्होंने जब यहाँ पर पुल के पास आया तो इन्होंने कहा कि थोड़ा मुझे चक्कर आ रहा, जल्दी खड़ी करी नहीं तो मैं गिर जाऊँगी, तो मैं खड़ी किया और स्टैंड भी नहीं लगा पाया और ये वहाँ से तुरंत उतर के आई, यहाँ से छलांग लगा दिया। यही जहाँ से, ये सामने मौके पर, हाँ, केन पुल पर। क्या कोई वजह मेरी समझ में नहीं है साहब। चंदौली में पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोर बिहार राज्य के भभुआ जिले से हैं, जो गाड़ियों के कमजोर लॉक को देखकर निशाना बनाते थे और उन्हें कम दामों में बेच दिया करते थे। हालांकि पुलिस ने तीनों चोरों को पकड़ लिया है, वहीं एक चोर की तलाश जारी है। जनपद चंदौली में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान में थाना चकिया अंतर्गत
एक मुकदमा पंजीकृत था जिसकी विवेचना के क्रम में चेकिंग के दौरान तीन व्यक्तियों को जो कि कथित रूप से मोटरसाइकिल चोरी करना तथा बेचने के धंधे में लिप्त हैं उनको पकड़ा गया तथा उनके पास से अन्य चार अदद मोटरसाइकिल भी बरामद करी गई। यह तीनों व्यक्ति थाना चांदपुर भभुआ जिला के निवासी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिलों को भिन्न भिन्न स्थानों पर बेच करके उससे पैसा अर्जित करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। तेंदुखेड़ा के नंबर वन विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815530। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है, आप आज ही अपना निःशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव, केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात, सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता अपश्री लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज, अनुभवी डॉक्टर्स के साथ आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248-297-631-8707-381354-7912120078। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555-299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455-270-200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप जायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। जायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना।